टिफिन स्टेशन एरिया है, यहाँ पे हमारा ये सारा पंप का सिस्टम है। हाँ जी, वहाँ पे हमारे पास जनरेटर है, अगर बिजली बंद हो जाए तो 200 केवीए का हमारे पास जनरेटर है जो हमें मतलब के चलाने के लिए ये काम देता है। सेनेलिटी कंट्रोल एंड रिकलमिनेशन प्रोजेक्ट स्कैप 6 रहीमिया खान में एक प्रोजेक्ट जिसके ज़रिए से ज़मीन के अंदर से सलाइन वाटर निकाल के उसको ट्रीट किया जाता है और सतह ज़मीन से उसको थोड़ा सा अपलिफ्ट किया जाता है ताकि उसका फ्लो जो है वो डिस्टर्ब ना हो और उसी पानी से सलाइन वाटर से उसको ट्रीट करके यहाँ पे एग्रीकल्चर में यूज़ किया जाता है और ये पानी ताकि इस इलाके को ख़राब ना करे इसलिए इसको इस कनाल के ज़रिए आगे ट्रांसपोर्ट किया जा रहा है और ये आगे जाके डेजर्ट के अंदर इसकी झील बनी है जो कि पिछले व्लॉग में मैंने आपको दिखाया था। हमारा पूरा डिस्ट्रिक्ट इससे आबाद हुआ है, एक पूरा डिस्ट्रिक्ट रहीमिया खान चन्नीगोड़ से लेके लियाकतपुर से वहाँ तक टीलूगोड़ तक जितनी आबादी ये लोग, ये आपको उन्होंने बताया कि इतने एकड़ जो ज़मीन हमारी आबाद हुई है और पहली जो हमारी ज़मीन थी वो बिल्कुल बंजर थी। ये किनाल का पानी आता कहाँ से? भी ये हेड पाइनस से आता है, पीने के लिए भी इस्तेमाल होता है या सिर्फ इरिगेशन? पीने के लिए भी, जानवरों के लिए भी, जो हमारे इलाके के जिस इलाके में मीठा पानी नहीं है वहाँ पर ये पानी ऐसे पीने के लिए भी इस्तेमाल होता है, उसको साफ़ करके तालाब बना के वो जमा करते हैं पानी, फिर उसको ये पानी मैम जाके ना डेजर्ट में खाली जगह पड़ी थी, इधर हम कहीं डाल नहीं सकते थे, वहाँ पे वो खाली जगह पड़ी थी तो उसको वहाँ पे डाल दिया। अब वहाँ पे मतलब के वो हमें मतलब लैंड पड़ी थी उसके साथ साथ अब लोगों को फ़ायदा हो गया, इससे हमें मुझे मेरी ज़ात को बहुत फ़ायदा हुआ। मैंने आपको बताया कि मेरे 37 एकड़ से कोई मतलब के 100 रुपये में एकड़ नहीं लेता था, तो आज मुझे कल बंदा कह रहा था कि आप 1 करोड़ ले लो, तो मैं उसको कह रहा था कि मुझे कोई 5 करोड़ भी दे दो मैंने। इस सलाइन वाटर को ट्रीट करके एग्रीकल्चर पर्पसेस के लिए यूज़ किया जाता है जिससे हज़ारों एकड़ ज़मीन ना सिर्फ एग्रीकल्चर के काबिल हो जाती है बल्कि आसपास के गांव भी इस पानी से मुस्तफीद होते हैं। ये हमारा एक ट्यूबवेल जो है 3 क्यूसेक पानी निकालता है और ये राउंड मतलब कि चारों तरफ से 4 किलोमीटर तक पानी खींचता है और आप ये देखेंगे इसके 4 फीट पानी खींचने से कितना पानी ये हमारे 12 घंटे या 24 घंटे भी कभी 16 घंटे तक चलता है ये ट्यूबवेल। तो टाइमिंग रखी हुई है, हमने मुख्तलिफ टाइम पे इसको चलाते हैं और ये मतलब कि ट्यूबवेल के एक ट्यूबवेल ये है इसके साथ, फिर 1 किलोमीटर के आगे फिर ट्यूबवेल है, वो ट्यूबवेल लगा हुआ है, वो सोलर प्लेटों पे लगा हुआ है। हाँ जी, ये इधर हमारा ट्यूबवेल लगा हुआ है 27 नंबर, वो सामने नज़र आ रहा है और एक ट्यूबवेल हमारा ये है, यहाँ पे सोलर प्लेटें लगी हुई है सामने, वो सोलर प्लेटों के साथ चलता है। इन ट्यूबों की वजह से अल्लाह के फजल से मतलब कि ये आबाद हुआ, ये देखें अमरूद भी लगे हुए हैं और पौधे भी लगे हुए हैं, नहीं तो ये वो ज़माना था कि आज से 5 साल पहले यहाँ पे इसी तरह टीला था और ये बाद हो गया। इंटरेस्टिंगली यहाँ पे ये क्रॉप ब्रोकर है, इवन दो के ये काफ़ी पहले ज़मीन बंजर थी बिकॉज ऑफ द सेलिनिटी, लेकिन आई थिंक प्रोजेक्ट की वजह से इट हैज़ इम्प्रूव्ड अ लॉट, दे हैव ट्रेंड ऑल द सॉल्ट वाटर जो सेलाइन वाटर था फ्रॉम द ग्राउंड।
भी कर रहे हैं कि वही ट्रेन करते 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 इस जगह पे आई है और आगे आगे इसमें पॉन्ड की शक्ल में ये पानी उस ट्रेन से उसी तरह की तीन ट्रेन और हैं तो वो सारी मिलके जो है ना यहाँ पे पानी और ये यहाँ तो बहुत साफ और मतलब पानी ऐसा लग रहा है जैसे अपनी असली हालत में पहुँचा, वहाँ तो बहुत ज्यादा गदला सा था। वो इसलिए कि वो वहाँ पे क्योंकि वो बिल्कुल तंग जगह पे चल रहे हैं, प्लस वहाँ पे वो अनलाइंड है सारा जो अपना हमारी ट्रेन है। दूसरा वहाँ पे हमारी रिसेंटली क्योंकि हम डिसल्टिंग भी करते रहते हैं, सफाई होती है तो जाहिर है लूज सॉइल ऊपर थी, जब पानी चलता है तो वो थोड़ा सा वहाँ पे गदला ही महसूस होता है, वही पानी है। ये पीने के काबिल है क्यों? क्यों मीठा पानी करिए, मीठा पानी नहीं है? नहीं है, नहीं है, टीडीएस है, इसका टीडीएस है मेरा 12000 टीडीएस, अराउंड 25-30% होना चाहिए। अच्छा ये वही पानी है यहाँ आ रहा है? जी जी। मैम लेक की हिस्ट्री के हवाले से भी थोड़ा बताइएगा और इसके क्या इम्पैक्ट है एनवायरनमेंट के ऊपर? जगह है घटपेरी कहलाती है, ये चोलिस्तान के अंदर है और ये जो हम झील देख रहे हैं हमारे पीछे जो झील नज़र आ रही है ये असल में जो ड्रेन्स है सॉल्ट वाटर पानी को पंप आउट किया गया है जो ड्रेन यार खान के शहर के पास जमीनें सारी बंजर हो चुकी थी वहाँ से और वहाँ से यहाँ तक लाया गया है। ये तकरीबन वहाँ से कोई 65 से 70 मील के फासले पे है और यहाँ ये एक बहुत बड़ी झील बनाई गई है क्योंकि अगर वो वहाँ कहीं करीब में उसको डिस्पोज ऑफ करते तो जाहिर है वहाँ पे नुकसान होता क्योंकि वो सारा सेलाइन वाटर था, सब सॉइल वाटर था। का माहौल पे क्या असर हो रहा है, वहाँ पे अगर ये पानी रहता तो क्या असर होता, फिर उसको उन्होंने किस तरीके से कौन से तरीके इस्तेमाल किए, ट्यूबवेल वहाँ पर डिग किए, वहाँ से उन्होंने पम्पिंग स्टेशन बनाए, पम्पिंग स्टेशन से ये इतने फासले पे लेकर आए हैं सहरा के अंदर कि उनका ये ख्याल है कि यहाँ पे कोई नुकसान कम से कम आसपास की आबादी को नहीं होगा क्योंकि आप देख रहे हैं अपने आसपास कोई ऐसी आबादी है नहीं, यहाँ पे ज़्यादातर चरवाहे हैं। अब एक नई चीज़ जो इसमें इंट्रोड्यूस हुई है, इन्होंने यहाँ पे तलापिया मछली डाली है और तलापिया मछली ज़ाहिर है एक उससे इकोनॉमिक जनरेशन भी हो रही है, यहाँ के जो लोग पहले उन्होंने कभी ये काम नहीं किया था उनको ठेका दिया जाता है और वहाँ से वो फिर अपना कमाई का ज़रिया भी उनके लिए बना है। तो हमने देखते हैं कि इंसान ज़ाहिर है माहौल पे असरानंदाज होता है, माहौल इंसान पे असरानंदाज होता है, यहाँ पे अब इस एक ये इंसानी काविश है, वो सारे पानी को जो ज़ेर ज़मीन पानी नुकसान वहाँ कर रहा था उसको यहाँ लेकर आए हैं। इस किस्म की जब कोई इंटरवेंशन की जाती है, अब ये एक पिकनिक स्पॉट भी बन गया है, हालांकि दूर है, सड़क कहीं है कहीं दूरी है और कहीं है नहीं, उसके बावजूद यहाँ पे लोग आते हैं क्योंकि इस इलाके में और इस तरह की कोई जगह नहीं है। यहाँ पे सर्दियों में बर्ड्स भी होती हैं, ज़ाहिर है जब ये मछली है तो आपके पास परिंदे भी होंगे जो इस वक्त तो नज़र नहीं आ रहे लेकिन शाम के वक्त परिंदे आते हैं या सुबह सुबह नज़र आते हैं। तो पूरा एक इकोसिस्टम बन जाता है, चाहे वो इंसान बनाए चाहे वो नेचुरल चीज़ को इंसान उसमें मॉडिफाई करे, क्योंकि ये डिप्रेशन तो मौजूद थी जिसके अंदर इन्होंने वो पानी ला के डाला है, अब उससे और क्या वो बेनिफिट्स दे रहे हैं उसको देखना है, उसके दूरस असरात क्या होंगे कि एक आर्टिफिशियल चीज़ जब बनी है तो कुछ साल बाद यहाँ की क्या सॉइल के ऊपर क्या असर होगा, इकॉनमी पर क्या असर होगा, लोगों की ज़िंदगियों पर मजबूर होगा, मस्बत होगा,